तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग BGMI 3.3 को कैसे MSI ऐप प्लेयर में खेल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो नया मेथड YouTube में चल रहा है, नया मेथड 3.3 को मतलब MSI ऐप प्लेयर का जो लेटेस्ट वर्सन है 12.9 करके ऐसा कुछ वर्सन है, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि कभी MSI ऐप प्लेयर क्रैश हो जा रहा है, कभी MSI ऐप प्लेयर क्रैश हो रहा है, तो कभी MSI ऐप प्लेयर के अंदर जो गूगल प्ले है वो नहीं खुल रहा है, कभी रूट नहीं हो रहा है, कभी किसी को जो एक तो कॉपी फाइल कर मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ता है Py64bit नाम का, तो उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है इंजिन नाम का एक फोल्डर में, तो वो फोल्डर नहीं मिल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ। तो मतलब मैं एकदम एंड तक गेम को चला भी दिया था ये सब प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉल्व करके, कि मतलब तुम्हारा गूगल प्ले प्ले नहीं खुल रहा है, ये सब नहीं खुल रहा है। तो लेकिन वो सब ये गेम को इंस्टॉल करने के बाद एकदम जब से मतलब गेम मेरा चल रहा है, चलने के बाद एक एक गेम खेलने के बाद जैसे मैं MSI ऐप प्लेयर को क्लोज करता हूँ, उसके बाद जब मैं रिटर्न MSI ऐप प्लेयर को स्टार्ट करता हूँ तो MSI ऐप प्लेयर ही नहीं खुलता है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, तो मेरे साथ बाकी लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो और आज एक मेथड बताने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उस मेथड का आप लोग धीरे से फॉलो करना, मतलब जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ उस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना। ठीक है, और तो मैं मतलब मैं अपने वॉइस से ये एक या दो ही वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो थोड़ा हिंदी बोलने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं जो बोलूँगा वो लोग आप लोगों को आराम से समझ में आएगा, और आप लोग धीरे से मतलब अच्छी तरह से सुन के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ठीक है, और मैं इसके जैसे आज मैं MSI ऐप प्लेयर में कैसे खेलते हैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑप्टोमाइज द बेस्ट ऑप्टोमाइज वीडियो में लेके आऊँगा, जो AMD वाले AMD ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो अलग से जैसे मैं AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करता हूँ, AMD के ऊपर भी ले आऊँगा और NVIDIA के ऊपर भी ले आऊँगा, बेस्ट बेस्ट ऑप्टोमाइज, नॉट नॉट ओनली MSI ऐप प्लेयर के लिए, MSI ऐप प्लेयर के लिए नहीं है, बाकी जितने भी आप लोग गेम खेलते हो अपने PC में सबके लिए। ठीक है, बेस्ट ऑप्टोमाइज वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं वीडियो अभी से बनाना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि गेम प्ले वगैरह लोग ज़्यादा देखते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हज़ार लाखों यूट्यूबर बन गया है गेम प्ले के लिए, शायद कंटेंट किसी को पसंद नहीं है, शायद जो लाइव स्ट्रीमिंग से ये ज़्यादा लोग देख, अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, गेम प्ले अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। शॉर्ट ज़्यादा डालता हूँ, लॉन्ग वीडियो भी डालता हूँ, क्लचेस वगैरह ये सब। अगला वीडियो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन AMD ग्राफिक्स कार्ड जिसके पास है और NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड, दोनों ग्राफिक्स कार्ड का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, सिर्फ MSI ऐप प्लेयर के लिए नहीं है कि हाँ मैं एमुलेटर में खेलता हूँ उसी के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है। तुम वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो एकदम आराम से जितना भी तुम बाकी गेम खेलोगे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वीडियो जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो तो पहले अगर आपके पास पहले से MSI ऐप प्लेयर है, अगर आपके पास पहले से MSI ऐप प्लेयर था, आप लोगों को पहले MSI ऐप प्लेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, कंट्रोल पैनल में जाओ, ये जो मैं MSI ऐप प्लेयर है इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, जो भी इसको आराम से अनइंस्टॉल कर दो, तो अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये जहाँ पे फाइल रहता है वो कभी कभार एक दो फाइल रह जाता है, ये मैं इंस्टॉल किया था यहाँ पे नहीं है, सी ड्राइव में जाता हूँ, सी ड्राइव में भी नहीं है, तो ऐसे रह जाता है कभी कभार फाइल, तो इसको आप लोग आराम से डिलीट कर दो, अगर रह जाता है तो पूरा डिलीट कर देना, यहाँ पर भी नहीं है। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर, ये जो रजिस्ट्री एडिटर सर्च में जाके रजिस्ट्री एडिटर सर्च करना है। ठीक है, यस करना है, तो ऐसा कुछ दिख सकता है, मेरा एक्सप्लेन हुआ है पहले से इसमें, ये देखो ऐसे दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस ऐसे दिखेगा, तो ऐसे दिखने के बाद ये जो HK लोकल मशीन है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे सुनो, इस सॉफ्टवेयर के बाद ही यहाँ पे अगर किसी 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 को अगर ब्लू स्टैक्स नाम का कोई भी फाइल दिख रहा है, ठीक है, तो उसको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मेरे में अभी दिख तो नहीं रहा है क्योंकि मैं अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये दिखता है, एक दो फाइल दिखता है। अगर किसी का नहीं दिखता है तो सही है, अगर किसी का दिखता है तो वो आराम से डिलीट कर दो। डिलीट कैसे करोगे, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे तुम्हें इसको क्लिक करना, राइट क्लिक करना, या पर डिलीट डिलीट का बटन है, ठीक है। तो ये डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम एस आई ब्लू स्टैक्स करके, ब्लू स्टैक्स उसके बाद एम एस आई दिखाएगा, पहले जितने भी फाइल है ब्लू स्टैक्स दिखाएगा, उसके बाद एम एस आई लिखा रहेगा, ऐसे करके जितने भी फाइल है वो डिलीट कर देना बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देना। इसके बाद मैंने जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो फाइल दिया है, ठीक है, वहाँ पर जाना है। मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पर भी दे दूंगा। अगर अलग से डिस्क्रिप्शन में कोई मीडिया फाइल ये वगैरह होता है तो उससे डाउनलोड कर लेना, अगर टेलीग्राम में है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले और एक स्टेप में बीच में ये बोलना भूल गया हूँ, ठीक है। तो अगर ये सब स्टेप अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, ये जितना भी फाइल है ये अनऑथराइज फाइल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी फाइल है ये सब रूट वगैरह अनऑथराइज फाइल है। तो ये क्या हो सकता है, प्रोसेस के दौरान कभी कभार विंडोज़ का जो अपना सिक्योरिटी सिस्टम है ये फाइल डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग जैसे मैं करना भूल गया हूँ, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो एक्शन रिकमेंड है, जो विंडोज़ सिक्योरिटी है, यहाँ पे जाओ। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जो नया मेथड आया था वो नया मेथड के दौरान मैं जैसे रूट करने गया तो देखा रूट फाइल ही डिलीट कर दिया विंडोज़ ने। विंडोज़ का जो अभी जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किसी भी अनऑथराइज ऐप मतलब फाइल को ये लोग नहीं रखता है, डिलीट कर देता है। तो इसको क्लिक करो, और यहाँ पे जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है इसको सिर्फ ऑफ कर दो, जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ करके रखना है। ये सब प्रोसेस मतलब इंस्टॉल वगैरह ये सब हो जाने के बाद आराम से इसको ऑन कर देना, ठीक है। अभी के टाइम इसको ऑफ करके रखो, मेरे हिसाब से। दिक्कत किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। मेरा जो ऐसे रूट फाइल करके जो नया प्रोसेस आया है, रूट फाइल है उसमें वो डिलीट कर दिया, 3-4 बार डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं इसको ऑफ करके वो प्रोसेस चालू किया, ठीक है। वो प्रोसेस छोड़ो, अभी जो ये वाला प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ इसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये जो एम एस आई 5.9 इंस्टॉल करना, लाना एडमिनिस्ट्रेशन, इसको यस कर देना, ठीक है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे सी प्रोग्राम में मत रखो, रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे फोल्डर में दूसरे ड्राइव में रख सकते हो तो वो भी दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी ये जितने भी ये सब होता है जैसे मतलब एमुलेटर वगैरह ये सब अलग पैथ इनके लिए बना के रखा हूँ। तो जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सी में नहीं रखता हूँ मैं, मोबाइल गेम करके नाम मेरा अलग से है, एम एस आई ऐप प्लेयर, इसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉल होने दो। सो गाइस, जैसे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, एम एस आई ऐप प्लेयर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सेटिंग में जाना है, ठीक है, अभी, लेकिन ये सब सेटिंग आप लोगों को अभी नहीं करना है, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद ये जो एम एस आई ऐप प्लेयर 5 है, जब राइट क्लिक करके जो ओपन फाइल लोकेशन है यहाँ पे जाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एच डी मल्टी इंस्टेंस मैनेजर करके, ठीक है। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है। अगर कोई विंडोज 11 यूज़ कर रहा है तो उनको शो मोर ये सब ऑप्शन करना पड़ेगा, मतलब दिखाएगा नहीं, ये जो सेंड टू करके ये दिखाएगा नहीं, विंडोज 10 यूज़ करोगे तो दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंड टू करना है और इसको डेस्कटॉप पे ले जाना है, ठीक है। ये देखो मेरा डेस्कटॉप पे आ गया, अभी देखना सेंड टू करने के बाद ये जो एच डी मल्टी इंस्टेंस शॉर्टकट है इसको ऑन करना है, ठीक है। यस, ये ऑन होने के बाद ये ऐसे इंटरफेस आएगा मल्टी इंस्टेंस करके। अगर आप लोगों में पाई 64 बिट ये सब नहीं दिखाता है तो आप लोगों को ये स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नोगर 32 बिट दिखा रहा है तो स्टेप करना पड़ेगा, अगर पाई 64 बिट दिखा रहा है तो ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100% लोगों को नोगर 32 बिट ही दिखाएगा, तो आप लोगों को ये स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटेंस में जाना है, फिर फ्रेश इंटेंस, फिर यहाँ पे पाई 64 बिट, फिर नेक्स्ट कर देना है।
तो नेक्स्ट करने के बाद ये अभी के लिए ये सब हाई नॉर्मल सेटिंग कर देना है, हाई कर देना है, ठीक है। 90:20 जैसे मेरा है मॉनिटर का रेजोल्यूशन, तुम्हारे पास अगर किसी के पास अगर 2K रेजोल्यूशन 2K रख दो, 4K रेजोल्यूशन है तो 4K रख दो, ठीक है। लो मेमोरी को इसको हाई परफॉर्मेंस कर देना, ये सब जो भी 240 320 है अपने हिसाब से कर देना, फिर इसको डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद कस्टम में बता रहा हूँ, सो गाइस 564 भी डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को ये जो तुम्हारा 32 बिट है इसको डिलीट कर देना, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। इसको डिलीट करने से पहले आप लोगों को ये जो जितने भी MSI F5 है मल्टी एक्सेस है इसको भी डिलीट कर देना है। डिलीट के फिर यहाँ पे जो 564 बिट का जो यहाँ पे देखो माउस ले जाने, कर्सर ले जाने के बाद क्रिएट ये डेस्कटॉप शॉर्टकट, इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, फिर इसको क्लोज कर देना है। देखो ये MSI F1 करके ये आ गया है। अब आप लोगों को यहाँ से खोल के गेम खेलना है, ठीक है। बंद कर देने के बाद आप लोगों को जो फाइल दिया हूँ ये खोल कर रखना है, ठीक है। फिर वापस आप लोगों को रजिस्ट्री एडिटर पे जाना है, फिर यस करना है, यहाँ से देखना है तो HK लुक। तो रजिस्ट्री एडिटर जाने के बाद यहाँ पे जो HK लोकल मशीन में जाना है, फिर सॉफ्टवेयर, फिर ये जो MSI ब्लू स्टैक्स फाइव यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट, फिर डेस्कटॉप कर देना है। कुछ भी नाम रखते नहीं, कुछ नहीं, MSI नाम रखते हैं। तो MSI नाम रखने के बाद ये इसको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर इसको कट कर देना है। ये हो जाने के बाद सेव हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसे MSI करके एक तो फाइल आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो नीचे आ गया MSI करके, फिर इसको कट कर देना है। फिर ये जो फाइल है इस पर इसको राइट क्लिक करना है, फिर एडिट इन करना है, सॉरी ओपन विद करना है, ओपन विद नोट पैड, ठीक है। हाँ नो नोटपैड ओपन विद नोटपैड करने के बाद मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तो दिखेगा। जो ये जो पहले लाइन में जो ये लिखा है जो ब्लू स्टैक्स MSI 5 करके, इसको धीरे से डिलीट करके NXT रख देना है, ठीक है। NXT रख देने के बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दो। ये हो जाने के बाद इसको डबल क्लिक करके एक बार ओपन करना, ठीक है। यस फिर ओके हो गया। ये सब हो जाने के बाद आपको वापस जो फाइल दिया है उस पर जाना है। तो यहाँ पे ब्लू स्टैक्स ट्विकर नाम का एक तो फाइल मिलेगा। हाँ ये जो ब्लू स्टैक्स ट्विकर नाम का फाइल ओपन किया उसके बाद उसके अंदर भी एक ब्लू स्टैक्स ट्विकर नाम का फाइल एप्लीकेशन है, इसको ओपन करना, ठीक है। तो ये ब्लू स्टैक्स ट्विकर खोलने के बाद आपको ये ऐसे इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे ब्लू स्टैक्स 5 जो लिखा है, ये ब्लू स्टैक्स 5 दिखा रहा है कि या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मेरे में ये ब्लू स्टैक्स 5 दिखा रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फिर अगर यहाँ पे ब्लू स्टैक्स 5 दिखा रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, रूट पे क्लिक करना है और अनलॉक पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉक पे मत क्लिक कर देना, अनलॉक पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये पे ओके कर देना है। सो जैसे ही अनलॉक हो जाता है आप यहाँ से इसको रन कर सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर है, जो भी कलर आप लोगों को दिखाएगा पता नहीं, तो जब तक ये MSI ऐप प्लेयर ओपन होता है अब आप इस सेटिंग में जाके ये सब सेटिंग कर सकते हो।
जैसे फोर कोरे में इसको कस्टम कर दे रहा हूँ, जैसे मेरा छः कोर का है, छः कोर बना रहा हूँ। यहाँ पे जितना मेरा ये डिलीट करने के बाद आप लोगों को अभी ये मैक्सिमम दिखाएगा, जैसे मेरा दिखा रहा है 12 GB तक दिखा रहा है मैक्सिमम, तो मैं इसको 12 GB रख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हाई परफॉर्मेंस कर दे रहा हूँ, हाई फ्रेम रेट आने वाले, जो तुम्हारा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है 144 Hz या 60 Hz, किसी का अगर 240 Hz है जो भी है तो उस हिसाब से रखना। मेरा 144 Hz है तो मैं इसको 144 में सेट कर दूंगा। ठीक है, हाई फ्रेम ड्यूरिंग डिस्प्ले हाई फ्रेम रेट इसको भी ऑन कर दे रहा हूँ। अब इसको सेव कर दे रहा हूँ, रिस्टार्ट। फिर से सेटिंग में जाना, जो भी आपका डिस्प्ले हो, डिस्प्ले के हिसाब से आपने जो भी 2K, अगर किसी का 2K है तो 2K रख देना, 4K तो 4K, 1080p तो 1080p, DPI अपने हिसाब से आप लोग कस्टम भी कर सकते हो कि आपको कितना DPI भी खेलना है। मेरा जो डिफ़ॉल्ट है ये 240 रख दे रहा हूँ। माउस कर्सर अपने हिसाब से, ग्राफिक्स में आप लोग OpenGL ही रखना। ठीक है, और यहाँ पे प्रीफेयर डेडिकेटेड GPU यहाँ पे टिक करके रखना। तो इसके बाद फोन में जाना है और क्रिएट ए कस्टम प्रोफाइल करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में रखना है कैपिटल में सैमसंग, कैपिटल में एस 24, कैपिटल में अल्ट्रा। उसके बाद ये SM जो भी है इसको रख दो। ठीक है, 910 SM-X910। बस ये हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी रख दो, एयरटेल सिलेक्ट कर दो, फिर इसको सेव कर दो। शॉर्टकट्स, यूज़र डाटा, एडवांस, ये देखो, ये जो नया वाला जो मेथड आया है ना, नया वाला मेथड में इसको जो ADB इसको ऑन करना पड़ता है, ये पहले से ऑन है इसमें। तो अभी आपको ये कट कर देना है। ठीक है, फिर BlueStacks Tweaker पे जाना है, फिर यहाँ पे पैच दिखाएगा, पैच पे क्लिक करना है। पैच पे क्लिक करने के लिए लिखा है फॉल्स। ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए पैच Py64 फॉल्स करके। उसके बाद जो इंस्टॉल सुपर सुई ये जो है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाने के बाद ये ट्रू लिखा रहेगा। इसके बाद अपडेट बाइनरी पे क्लिक करना है, ये Py64 दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये सब, अभी आपका एमुलेटर रूट हो गया। ठीक है, तब इसको, तो जैसे मेरा रूट हो चुका है, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड के बाद एमुलेटर रूट हो जाएगा, तो इसको कट कर देना। तभी इसे ओपन नहीं, एमुलेटर ओपन नहीं करना है, तो इसको कट कर देना है, एमुलेटर को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से आपका एमुलेटर ऑन करना है। ठीक है, तो ये ओपन होने के बाद आपको और 2 बार करना है। ठीक है, जैसे एक बार मेरा होने दो, इसके बाद और 2 बार, जैसे ये ओपन होता है आपको एक बार क्लोज करना है और एक बार ओपन करना है। ठीक है, तो ये ऑन हो गया है, इसके बाद और एक बार क्लोज करना है और एक बार ऑन करना है। ठीक है, यह फाइनल ऑन है। तो ये ऑन हो जाने के बाद आपको ऐप पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि ये हमारा रूट हुआ है नहीं, तो रूट हुआ है नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए ऐप पे क्लिक करना है। तो आप लोगों को ये न्यू ऐप्स कॉन्फ़िगर ऐसे दिखाएगा। ठीक है, हो गया रूट। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को APK पे जाना है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग फाइल डाउनलोड करके रखा हो वहाँ पे जाना है, तो MSI अपडेटेड फाइल है।
ठीक है, कैसे इंटरफेस दिखाएगा, सब कुछ सिलेक्ट करना है ठीक है। लेकिन बीच में ये जो ब्लू स्टेक ट्विकर करके ये आ जा रहा है ठीक है, इसको अनचेक कर दो। सबको साथ में सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मेरा सबको साथ में सिलेक्ट कर दिया लेकिन बीच में ये आ गया, तो इसको अनचेक कर दिया हो ठीक है, इसको ओपन कर देना है ठीक है। ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, सब धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस एप्स में भी हार्मफुल, तो ब्लॉक वाई प्रोटेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना है, फिर ये एक्सपेन हो जाएगा, फिर इंस्टॉल एनीवे करना है, हो गया सब ऐप अगर इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे जो बॉक्स दिखा रहा था इंस्टॉलिंग ऐप करके ये चला जाएगा ठीक है। जैसे मेरा सब ऐप इंस्टॉल हो गया, बैटल ग्राउंड जो भी जितना भी चेक किया था सब ऐप्स इंस्टॉल हो गया ठीक है। इसके बाद का स्टेप जो रूट एक्सप्लोरर पे जाना है, तो यहाँ पे जो स्टेप है ये ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत आप लोग प्रॉब्लम भी कर सकते हो, जैसे मेरा पहली बार हुआ था, तो आप लोग ध्यान से देखना ये वाला स्टेप ठीक है। यहाँ के यहाँ पर जाने के बाद, मतलब ये सब स्टेप हो जाने के बाद आपको रूट एक्सप्लोरर पे जाना है ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करना है, इसको अनचेक कर देना है, फिर ग्रांट, फिर अलाउ ठीक है, फिर ओके। अभी रूट एक्सप्लोरर अपना रेडी है ठीक है, इसको बंद कर देना। तो अभी डायरेक्टली आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, जो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हुआ है पहले से ही, इसको ओपन कर सकते हो ठीक है। देखना गेम क्रैश नहीं होगा, आराम से चलेगा, और यही मेथड से सब, मतलब यही मेथड से चल रहा है, तो यही मेथड यूज़ करो, यही मेथड से आराम से अपडेट करो, जो भी अपडेट मतलब आएगा। अब ये देखो, जैसे क्योंकि ये पुराना मेथड है, ये फाइल भी पुराना है ठीक है, ध्यान से सुनना, पुराना मेथड है, फाइल पुराना है, तो इसी मेथड से मेरा चल रहा है, सबका इसी मेथड से चलेगा, लेकिन नया वाला मेथड बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं चल सकते, मैं जो कारण बताऊँ किसी का वो प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मैं मतलब पुराना वो जो फाइल है BGMI 3.1 का फाइल है, तो उसको मैं इंस्टॉल मतलब किया हो, तो डायरेक्टली मेरे को दिखा रहा है कि प्लीज़ डाउनलोड द न्यू वर्जन फ्रॉम गूगल पे, तो अब लोग देखते क्या होता है, ओके कर देना ठीक है। ओके करने के बाद साइन इन पे जाना, आराम से यहाँ पे लॉगिन कर देना, जो फेसबुक से लॉगिन करते हो, गूगल प्ले स्टोर से, गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हो, गूगल अकाउंट से। तो जैसे मेरा लॉगिन गूगल से हो गया है ठीक है, क्योंकि ये नया वर्जन है, तो ये स्टेप मतलब आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया है, अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ गेम ठीक है। ये क्योंकि ये पुराना फाइल है, पुराना फाइल इंस्टॉल होने के बाद अगर चालू करोगे तो नया अपडेट करने के लिए बोलेगा, ऑटोमेटिकली बोल रहा है, तो ठीक है मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा गेम अपडेट हो गया है ठीक है, एकदम नया वर्जन 3.3 ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, गेम ओपन कर रहा हूँ ठीक है। ये पूरा एकदम मतलब पुराना मेथड से अलग हो रहा है, देखता हूँ क्या होता है ठीक है। इसके बाद ये रिसोर्स पैक दिखाएगा, जो इसके बाद हाई एंड पीसी है, तो ये हाई एज रिसोर्स इंस्टॉल करो, जिसके पास नहीं है वो लो वाला रिसोर्स इंस्टॉल करना, क्योंकि लो वाला रिसोर्स इंस्टॉल करने से ग्राफिक्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो FPS है वो बूस्ट होता है, 100% बूस्ट होता है, ये मैं पहले देख चुका हूँ, क्योंकि मेरा पहले बहुत ही लो एंड पीसी था, खेल ही नहीं पाता था, 30, 34, 35, 25 ऐसे FPS मिलता था। तो जैसे कि देख रहे हो मेरा अपडेट हो गया है ठीक है, द अपडेट हैज़ फिनिश्ड, तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ ठीक है। और गेम अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ठीक है। तो कोई लोगों को दिक्कत आया कि डिवाइस नॉट सर्टिफाइड करके ठीक है, तो ये अलग स्टेप है, जैसे मेरे में दिखा नहीं रहा है कि डिवाइस नॉट सर्टिफाइड, यहाँ पे मैसेज करके आता है, ये जो ऊपर डिवाइस नॉट सर्टिफाइड करके, तो अगर ये प्रॉब्लम
अगर किसी को आता है तो वो लोग क्या करेंगे, उसका तो भी तो कुछ सलूशन होना चाहिए, तो वही सलूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका एक इजी फिक्स है आप लोगों को, जहाँ पे वो फाइल दिए थे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद ये जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स करके ऐसे आएगा, इसको ऑन करना है। जो ये वाला टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब इसको सब कुछ कट कर दो। तो ये फायरफॉक्स का, तो कॉपी करने के बाद फायरफॉक्स जो ये फायरफॉक्स को ऑन करना है। ठीक है, फायरफॉक्स जो ऐप्स है इसके बाद को नॉट नाउ नॉट नाउ नॉट नाउ जो लिंक दी थी अभी इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट कर दो, फिर एंटर कर दो। फिर यहाँ पे इसको गूगल गूगल आईडी से साइन इन करना है। ठीक है, तो जैसे ही साइन इन हो जाएगा तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। ठीक है, इस पेज को नहीं कटना है। फिर यहाँ पे जो डिवाइस आईडी करके ये ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल है इसको ओपन करना है। यहाँ पे जो गूगल सर्विस है इसको कॉपी करना है। क्लिक करने के बाद, लेफ्ट क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये पेज आ जाएगा, और इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल वी से, इसको दे देना है। ठीक है, आई एम नॉट रोबोट। फिर यहाँ पे रजिस्ट्री, जैसे मेरा ये प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है तो मैं ये रजिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का अगर ये प्रॉब्लम दिखेगा तो आप लोग, ठीक है, मैं रजिस्ट्री कर ही देता हूँ। पहले भी मेरा नहीं दिख रहा था, अभी भी दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं रजिस्ट्री कर ही देता हूँ। हो गया डिवाइस रजिस्टर आईडी फॉर्मेट। ठीक है, तो मेरा तो दिक्कत नहीं दिखा रहा है, फिर मैं कर दिया। इसको क्लोज कर देना है, सब कुछ सेटिंग में जाना है। तो जितने भी गूगल का ऐप्स है, ये जैसे गूगल प्ले स्टोर, गूगल सर्विस, गूगल गेम्स, सबको स्टोरेज में जाना है, क्लियर चेक कर देना है। ठीक है, फिर से डिसेबल दिखा रहा है, स्टोरेज पे जाके कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर डेटा, ओके, हो गया, कट कर दो, कर देना। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद इसको एक बार ऑफ कर देना MSI ऐप प्लेयर को। ठीक है, और ऑन कर देना और एक बार। आ गया, सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड रिस्ट्रिक्टेड एरिया करके। ठीक है, तो ये तो इसी का ही तो प्रॉब्लम है एमुलेटर में, तो इसका भी मेथड है अभी बता रहा हूँ। तो सिस्टम ऐप्स में जाके यहाँ पे जो मीडिया है इसको ओपन करना है। इम्पोर्ट फ्रॉम विंडोज, जहाँ पे वो फाइल रखे हो वहाँ पे जाना, और यहाँ पे दिखेगा आपको रूट डेटा फाइल करके। ठीक है, जिप फाइल करके, तो इसको ओपन कर देना। ठीक है, फिर इसको बंद कर देना, जीआर काइवर को ओपन करना, अलाउ करना। अलाउ, ओके। फिर डीसी डीसीआई में जाना, शेयर फोल्डर में जाना, यहाँ पे क्लिक करना एक बार, राइट राइट क्लिक करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर दिखेगा, एक्स्ट्रा हेयर पे क्लिक कर देना।
यहाँ पे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद रूट एक्सप्लोरर में जाना, स्टोरेज पे जाना, DCIM शेयर फोल्डर। उसके बाद ये जो फाइल्स एंड लीव करके, इसको लॉन्ग प्रेस करके, राइट राइट सॉरी लेफ्ट क्लिक में रॉन्ग रॉन्ग प्रेस करके रखना, कॉपी हो जाएगा। लीव फोल्डर को भी रॉन्ग प्रेस करना, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करना ये जो कॉपी, फिर रूट पे जाना, फिर डेटा पे जाना, फिर उसके बाद फिर से डेटा दिखाएगा। फिर नीचे ये जो com.pubg.mobile है यहाँ पे जाना और इसको पेस्ट कर देना। मार्च, ये मार्च हो गया है। अब इसको क्लोज कर देना, अभी गेम ओपन करना, वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ये तो सबको पता है। जब भी आप लोगों को एरर दिखाएगा तब आप लोग को प्रोसेस अप्लाई करना। ठीक है, जैसे देखो मेरा गेम ओपन हो गया है और एकदम नया तरीका, जो नया जो इवेंट चल रहा है वो सेटिंग में जाके गेम क्रैश हो गया। देखा, अरे यार। ठीक है, एक बार क्रैश हो जाने के बाद गेम आराम से ओपन हो गया। ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस। ठीक है, तो अगर वीडियो, ठीक है यही तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और गेम प्ले भी डालता रहूँगा। गेम प्ले भी देखना, चैनल को सपोर्ट करो यार। अगर अच्छा लगे गेम प्ले भी अच्छा लगे, ये सब वीडियो तो बहुत मिल जाएगा लेकिन जो गेम प्ले डालता हूँ वैसा गेम प्ले एमुलेटर में शायद कम ही मिलेगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।